हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो आप सब लोगों का जहन जब व्लॉग में शर्मदीद हो चुका है, तो जी वेलकम हो गया। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो सबसे पहले मेरे मिले छोटे भाई से चांद, ये मेरा छोटा भाई चांद है, ईसा की तरी, और ये ईसा ईसू। अभी जी है हम लोग छत पे आए हैं, आए इसलिए थे क्योंकि हम लोग कल के दो गमले लेके आए हैं, एक गुलाब का और दूसरे का मैं पता कोई नहीं। ये आपको जिस चीज़ को पता है किस चीज़ का बूटा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ईसा तेना वे ने, और ये रहा गुलाब। तो वैसे ये हम लोग रेडीमेड काल के लाए हैं, बहुत सस्ते मिल गए थे हमें। ये हमें 400 का मिला और वो भी 400 का, 400 के मिले हैं दोनों। बाकी हम लोग और लेके आएंगे, अभी हमारी ना है जगह जो है वो कंफर्म नहीं हो रही है, हम कहाँ पे रखा करें कहाँ पे नहीं। हेलो। तो बाकी ये देखें, अभी मिट्टी खाने लगा हमारा छोटा भाई। कैमरा चल रहा है ईसा, थोड़ा सा मैं ना साइड पे हो गया था, और अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ईसा हैंड कर, हाँ कर, खाई है ना, खाई है तूने। ये देखिए अभी इसने मट्टी खाई है, इसकी इसको हम लोग इस वजह से ही ना ऊपर नहीं लाते हैं, ये आगे ना मट्टी वगैरह खाने लग पड़ता है। और ये राज का बड़ा भाई चांद, चंदे छोड़ दे, चंदे इसने मट्टी खाई सच्ची में, बोल भी मैं तो लग रहा तू खुद खादी चांद, मुझे लगता तू खुद खादी मट्टी, खादी है मैं नीचे जाके बताऊं, तू तो कन्फर्म मट्टी खादी है ना, मैं तेरा दसना है। यू है यू, ये देखो हे यू ने यहाँ से खाई है मट्टी, ये मट्टी खाई इसने यहाँ से, तो नीचे तू फेंकी है ना ईसा, ऊपर किधर चलना है। अभी ये जी मिट्टी शिट्टी खा रहा है ना, अब ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसलिए हम लोग ना ऊपर नहीं इसको लेके आते हैं। मैं वैसे ही वीडियो बनानी थी, मैं रात के लाए हैं ना गमले, कल रात था, कल के आए हुए हैं, तो ला के इसके अंदर हमने खाद वगैरह डाली थी ताकि इसके ऊपर पौधे शौधे उगेंगे, यानी कि पौधों के ऊपर फ्लावर वगैरह उगेंगे। तो अभी तो कोई सूरत हाल नहीं, वैसे ये बने तो हैं 1 2 3, तो बाकी ये तो 6 ट्री है। अल्लू अल्लू की, ये देख अल्लू ने मुझे मारा, क्या इसके बाद ड्रामे आपने चेक करने, इसको कुछ भी नहीं कहते हैं, तो आगे से मैं मारता। आ इधर आ, इधर आ, इधर आ, अल्लू यू चल हैंड दो इसको पीछे से उठा, यू हैंड दो ले चले जी। मिट्टी शिट्टी खाने के बाद अभी हम लोग धोने लगे हुए हैं हैंड, ताकि घर वाले को पता नहीं चले है ऐसा ऐसा गंगू गंगू। ये रहा हमारा ईसा, ये रहा मैं, किस चीज का इनका ब्लॉग बनाना है हमने। हाँ। आपने खाने हैं अनार, आपको देने भी नहीं है हमने जी। अभी हम लोग अनार खाने लगे थे, ये निकाल के गए थे जब हम लोग ऊपर गए हैं, तो आते सारे कह रहे हैं भाई हम इसका ब्लॉग बनाए बनाए। हाँ जी, अभी ना मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने ना एक ऑर्डर किया हुआ था, तो काफ़ी दिन हो गया ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते हो गए, ट्रोदर शर्ट थे, तो अभी लेपर्ड से कार आई है, कह रहे थे कि आके अपने ना पार्सल ले लो, तो अभी चलते हैं लेपर्ड पे, तो जाके अपने लेके आते हैं पार्सल, देखते हैं किस तरह के निकलते हैं किस तरह के नहीं। जी गाइस, फाइनली हमारा लेपर्ड से जो है ना कुरियर आ चुका है, बड़ी तंग किया था इसने हमें, 2-3 हफ्ते इंतजार करवाया, तो फाइनली आ गया। तो अभी हम लोग इसी करने लगे हैं अनबॉक्सिंग, ऐसा करें अनबॉक्सिंग, आया आया जल्दी आया फिर आया। चलो जी, एक के अंदर एक आया, एक मैं कर लिया, एक के अंदर एक, दो एक के अंदर। हाँ जी जी, दो ट्राउजर शर्ट्स हमने ऑर्डर की थी, ये वैसे ना असल में जो ऑर्डर है ना बिलाल का, मेरा नहीं है, मेरे छोटे भाई था, वो भी आया ही नहीं कॉलेज से। नहीं जी,
ये रही हमारी फाइनल शर्ट्स, और दूसरा जो है ना इसके साथ ट्रोजर है। यहाँ पे ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, मेरे ना छोटे कजन ने पता नहीं क्या किया था ट्रोजर, इसकी वजह से ना यहाँ पे वॉइस ही जो है रुक गई है, वॉइस आ ही नहीं थी रही। ये पूरा सेट था ब्लैक का, और दूसरा जो बिलाल ने मंगवाया हुआ था ना व्हाइट और ब्लैक का, जो पहले थे ना वो बूट के अंदर थे गर्म थे, और ये जो दूसरे वाले थे ये इतने गर्म नहीं आई, बस नॉर्मल थे, बस कंफर्टेबल ट्राउजर शर्ट थे। ये बिलाल ने आर्डर तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले का किया हुआ था, जो इसके दोस्त ने कहा था इसको, तो उसके मुताबिक फिर उसने मंगवाया। तो फाइनली जी गाइस उसका हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया, उसकी अनबॉक्सिंग भी हमने कर दी है, तो आपने देखना किस तरह का उसका ऑर्डर आया। मुझे लगता है हल्का हल्का सा काम होने लग पड़ा, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे करना पड़ा। और आपका एक और चीज़ आ गई दिखाने वाली, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पेंटिंग है, हमारी पेंटिंग आ गई है तकरीबन अभी तक हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, बाकी और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये वाली रही एक और। वैसे पेंटिंग देखो यार, ये वाली भी, ये पेंटिंग पता नहीं क्या बनी है, चीज़ देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे कवा, वैसे प्यारी बनी है। अब ये वाली जो पेंटिंग है ना, इसकी पता कौन सी जगह, वो ऊपर उसके साथ अब ये वाली पेंटिंग आएगी। तो ये हमने कचरा शचरा डाला हुआ था, तो ये कचरा हम ऐसे समेट लें पहले, तो ये जाके अब डस्टबिन में फेंक के